सो इट्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई MSBT समर 2020 एग्जाम फॉर्म शेड्यूल के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इस बार जो आपकी एग्जाम है समर 2021, वो किस मोड से आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, और ये विथ प्रूफ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, हम विजिट करते हैं MSBT की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि MSBT.org.in है। तो यहाँ पे जब हम सर्कुलर्स में आएंगे तो यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है समर 2021 एग्जाम फॉर्म शेड्यूल। इस पर आपको क्लिक करना है तो ये PDF फाइल है, ये ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो है शेड्यूल देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये डेट्स, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है समर 2021 एग्ज़ाम का, तो वो जो है नॉर्मल फीस के साथ आपको कैंडिडेट लॉगिन से जो है फिल करना है, वो है 3 मई से लेके 12 मई के बीच में, यानी अगले महीने आपको जो है फॉर्म फिल करना है। नॉर्मल फीस के साथ होगा 3 मई से लेके 12 मई के बीच में, और अगर आप 12 मई के बाद फिल करते हो तो आपको जो है 200 रुपीज़ जो है लेट फी पे करनी पड़ेगी। तो वो जो डेट है वो है 14 मई से लेके 17 मई। तो ये जो है आपको समझ में आएगा कि आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना। फिर उसके बाद में आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको आपके कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो वो जो काम है इंस्टीट्यूट फिल एंड कंफर्मेशन, तो वो भी आपको जो है नॉर्मल फीस के साथ 3 मई से लेकर 13 मई के बीच करना है। और अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हो लेट फीस के साथ, तो आपको जो है 14 मई से 18 मई के बीच में जो है आपको इंस्टीट्यूट में आपका फॉर्म सबमिट करना है। और फिर RBT कंफर्मेशन या फिर कॉलेज जो है आपका फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उनको जो टाइम दिया गया है 19 से लेकर 21 मई 2021 के बीच में। अब हम बात करते हैं कि भाई जो आपका एग्ज़ाम मोड है वो कैसा होगा। तो यार, आपका जो एग्ज़ाम मोड होगा समर 2021 के लिए, तो वो 99% नहीं 110% वो ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो मैंने आपको कहा कि भाई प्रूफ के साथ, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज कैंडिडेट लॉग इन मध्ये उपलब्ध असून त्यांनी परीक्षा अर्ज स्वतःचा अचूक मोबाईल क्रमांक व ईमेल ID भरावा, जेणेकरून परीक्षा वेळी माहिती देण्याकरिता मोबाईल क्रमांक व ईमेल ID चा वापर करता येईल। तो यहाँ पे ये खुद मेंशन करते हैं कि भाई आपको जो है प्रॉपरली आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो है यहाँ पे एंटर करना है, सो दैट जब एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको जो है इस ईमेल ID और जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड की जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इससे पता चलती है। सेम थिंग लास्ट टाइम भी ऐसे ही इन्होंने कहा था कि भाई राइट ईमेल ID और राइट मोबाइल नंबर डालो, इस बार भी वही चीज़ कही जा रही है। तो 110% आपकी जो एग्ज़ाम है समर 2021 की वो ऑनलाइन MCQ बेस्ड ही होने वाली है। करंटली जो भी महाराष्ट्र में जो सिचुएशन बनी हुई है कोरोना को देखते हुए, तो उससे भी हम सबको जो है यही समझ में आता है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम ही होने वाली है। तो गाइज, होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि भाई अगर अभी आप डिप्लोमा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आप प्रोजेक्ट्स के लिए सोच रहे हो, आपकी ब्रांच कंप्यूटर IT है, तो ओवरऑल जो है हम आपको आपके प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, अभी जो है हम आपको लिए जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो है एंड्रॉयड, पाइथन और जावा की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे जो है कमेंट करो और डेफिनेटली बताओ। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एक लाइक ठोक दो। मिलते हैं ऐसे न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना खुद का ध्यान रखिए, घर पे सेफ रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबका। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।